यहाँ की जो जनता होती है वो बहुत कुछ सुनने के लिए आती है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका कारण है इस मंच पर न्यू ही ऐसे कलाकारों से डाली गई थी। सुनने में आप लोगों ने दीक्षित जी को सुना है, आदरणीय शमानी हमारे दादा श्री राम सुरेश द्विवेदी जी को सुना है, जिनकी कलम का कोई जोड़ नहीं है। बिल्कुल। आइए मैं भी प्रयास कर रही हूँ कि शायद हम दोनों कलाकार ऐसा ही आपको दे सके। आदरणीय कल्पना जी एक तर्ज बजी, भैया जी निवेदन है सुनेगा। नई धुनों के लिए कहा गया है, प्रयास करूंगी नई धुन सुनाऊंगी, लेकिन मजबूरी आती है। आजकल के धुने कब शुरू हुई और कब खत्म हो गई पता ही नहीं चलता। पूरा गाना खत्म हो जाता है, बाद में लोग कहते हैं अच्छा वो गाना है। बिल्कुल हवा महल। और देखिए जो हमारी ये दीदी खड़ी हुई है, बैठ जाइए क्योंकि ये कट पीस आपके लिए है। आप हमारी जितनी भी माताएं बहने बैठी है, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद, बैठ जाए, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए एक तर्ज आई भैया जी, पहले तर्ज सुनिए उसके बाद मर्ज की बात। धुन सुनिए, सुनाइए। ये दर्ज है जिससे कोई लेना देना नहीं है। भैया जी निवेदन है, कट पीस पर ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल। हम लोगों ने कक्षा 6 में कक्षा 5 में एक सब्जेक्ट पढ़ा, उसमें एक कहानी आई राजा सोलोमन का न्याय, जस्टिस ऑफ सोलोमन। भैया जी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बस इसी कथा को मैंने लिया है, इसी कहानी को मैंने अपने गीत में सजाया है। क्योंकि माँ की ममता तो महान होती है, बहुत सी माताओं की ममता मिल जाएगी, लेकिन कोई ऐसा पिता नहीं मिलेगा, ऐसा कोई पिता नहीं मिलेगा जिसने अपनी बेटी को माँ की तरह पाला पोषा हो, बड़ा किया हो, आंचल का दूध पिलाया हो, लेकिन ऐसा कोई पिता नहीं मिलेगा दूध पिलाकर पाला पोषा हो। इसलिए देखिए एक माँ मैंने लिए है, माँ बहुत मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर दो माँ मिल रही हैं, एक बेटा है, दो माँ है, दोनों उस बेटे के लिए लड़ रही हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, फर्क इतना है एक ने जन्म दिया है और एक ने जन्म नहीं दिया। दोनों लड़ रही हैं, मेरी पंक्ति कह रही है सुनिएगा भैया जी। पाला है गोदी जिसने लाल अपना, Thank you.
श्री विनीता सिंह शहरापुर आपको से इक्यावन रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये इक्यावन रुपए अमरीश पाल भैया शहरापुर आपकी ओर से बोल रहे हैं। आपने चार बातें लिखी हैं कि मरने के बाद भी जिसके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है, देश के उन वीर जवानों को सलाम है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी। तब भी सुनेगा मेरी ओर से, एक मां लग रही है जिसने जन्म दिया है और एक दूसरी ऐसी है जिसने जन्म नहीं दिया। कहना पड़ा गोदी जिसने लाल अपना, सोचिए कैसे दे दे वो नौनिहाल अपना, लेकिन सन्मुख झुकाए हरी भाल अपना। तो जन्म देने वाली कहने लगती है, डालो ना ऐसे माया जाल अपना, राजा के दरबार में अपनी अपनी बात बताई। अरनिया दीदी जी अपनी अपनी माँ बात बताई, ये मेरा लाल है, ये मेरा लाल है। राजा ने सुना, निर्णय कर दिया कि मंत्री इस लड़के के दो टुकड़े करो, एक इसको दे दो, एक इस माँ को दे दो, एक इस माँ को दे दो। और जैसी इतनी बात उस जन्म देने वाली माँ ने सुनी, वहीं पर रुक गई। भैया जी केवल चार पंक्तियां गीत में दे रही हूँ, निवेदन है पंक्तियों की लड़ाई है जवाबी में। वो माँ कहने लगी कि नहीं राजा, मारो मत, मेरे लाल के दो टुकड़े मत करो। क्यों? कारण है, सुनेगा। तनिक ताशीर से पूछो, बेशक उसे दे दो, लेकिन आदरणीय लल्लू भैया चार पंक्तियां दे रही हूँ, सुनेगा। वो माँ कहने लगी जन्म देने वाली, तनिक ताशीर से पूछो, छाती के चीर से पूछो, और पेट की पीर से पूछो, और नैनों के नीर से पूछो। क्या बात बड़ा, क्या बात है, अरे अरे इनको पता है ये मेरा लाल, और राजा ने मेरे लाल के दो टुकड़े मत करो, ऐसा किसे दे दो, अरे चाहो तो दे दो बड़ी रात, ये समय समय बहुत है,
बढ़िया कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आदनिया दीदी जी की तरफ से। और क्या, थोड़ा बहुत हो सकता है मेरा समय ज्यादा हो गया हो, हाँ। लेकिन सही मानते हैं अभी मेरा समय आया नहीं है। और क्या बोलते हैं, और क्या, समय ज्यादा लगने दो क्योंकि तुम छोटी हो ना। बढ़िया प्रयास आपने किया। और क्या, बड़ी दीदी के समय से तुम्हें समय मिलेगा क्योंकि हम समय से आ गए थे। आदनिया दीदी जी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, आपने कैसे कहोगी तुम, कैसे कहोगी तुम बड़ी दीदी से, हम तुमको डांट नहीं देंगे। आपने बढ़िया गीत दिया है और जवाब बढ़िया दिया है जो आपसे बना है। आपने कहा कि कल्पना जी आपने एक होशियारी कर दी, चालाकी कर दी कि हमारे जो जवाब भर रहा था उसको आप गद्य में गा गई, तो आपके पास ऐसी कोई कमी है नहीं वैसे? ना ना, कतई नहीं। जब पप्पू भैया बैठे तो कोई कमी हो ही नहीं सकती है। और क्या, और क्या, और पप्पू अब पप्पू नहीं रह रहता, अब पप्पू हो गए पापा। अब कहां से कमी रहेगी। बहुत अच्छे हैं आप, सच सच बता रही हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, कीर्तन में तमाम कलाकार हैं, बिल्कुल तमाम तरह के स्वभाव हैं, लेकिन आप एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। क्या बात है, आपका सच बता रही हूँ, जोड़ा एक ऐसा जोड़ा है जिसका कोई दूजा ना जोड़ा है। हमारे दोनों दीजी और जीजा जी मान लीजिएगा, अब है ही, मान क्या लीजिए। अरे बिल्कुल है बेटा, जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, और वही तो है तुम्हारे जीजा जी। लेकिन मैं प्यार से उन्हें भाई ही बोलती हूँ। और क्या, बहुत सी सालियां भाई कहती हूँ, उसमें कोई नई बात थोड़ी है। चूंकि उसका एक रिश्ता और है, आप स्वयं में एक कीर्तनकार हैं, वाह, मैं कीर्तनकारा हूँ, क्या बात है, तो एक कीर्तन के नाते आप मेरे भाई हैं। बिल्कुल बेटे, कि उड़ते बादल से पूछो, पहली बार सुन रहे हैं। और क्या, हमने कभी सुना नहीं है। हाँ, तुम क्या सुनोगी, जब मेरे बाल सफेद हो गए, मैंने सर नहीं सुना उसको। ये कहीं ना कहीं हम लोगों की कमी रही है जो हमने इसको नहीं सुन पाया, लेकिन निभाने का प्रयास करेंगे कि आपका गीत बन जाए। और क्या, फूलों से सीखा मैंने कलियों से सीखा मुस्कुराना, ऐसे ही है, चलिए
धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुनिए सुनिए, आपने बड़ा अच्छा गीत दिया है, बहुत अच्छा हृदय को छूने वाला गीत दिया है। आप कह रही हैं कि कितने के तासीर से पूछो और छाती के चीर से पूछो और पेट की पीर से पूछो तो इनको पता है मेरा लाल। ओ चाहो तो दे दो तत्काल। भैया जी बड़ा अच्छा प्रयास बहन जी ने दीदी ने किया है, बहुत अच्छा। एक माँ दो माँ है, एक लाल है। हाँ। वो जन्म देने वाली माँ कहती है मेरे छाती के छीर से पूछो, आंखों के नीर से पूछो, तासीर से पूछो, इनको पता है कि ये है मेरा लाल। अब आइए जवाब लाने का प्रयास कर रही हूँ। एक माँ है जो अपने बेटे से ही कह रही है, एक माँ है जो अपने बेटे से ही कह रही है, क्योंकि भैया जी बहुत जगह देखा है पैसे से धनी तो बहुत लोग हो जाते हैं, लेकिन आज के युग में बहुत बहुत बड़े रहीशों के यहाँ भैया जी विदेशी सांप्रदायिक जो भाषा आ चुकी है, विदेशी संस्कृति को लोग अपनाने लगे हैं, माँ बाप को घर से निकालने लगे हैं। अरे मैं कहती हूँ आवश्यकता क्या थी तो ये वृद्धाश्रम बनाए गए हैं। कारण है लोग घर से माँ बाप को निकालने लगे हैं, निकालो तो तब जब पहले ये वृद्धाश्रम बनाए गए हैं। अब नवरात्रि के जगराते चल रहे हैं, विश्वास मानिए ऐसा कोई शहर नहीं होगा, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होगा जहाँ माता रानी की जगराते नहीं चल रहे हों। लेकिन एक माँ को जब वृद्धाश्रम में देखा और एक माँ को मंदिर में देखा तो एक लाइन पढ़ने का मन कर गया है कि हर तरफ जय माता दी की गूंज छाई है। अरे वो फिर किसकी माँ है जो वृद्धाश्रम में आई है? सुनिए, एक माँ जब बेटा घर से निकाल देता है, माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने जाता है, कुछ वर्षों बाद मिलने गया, माँ कोई तकलीफ तो नहीं है? माँ ने फोन कराया, बेटे को बुला दीजिए, क्योंकि माँ की आखिरी सांस चल रही थी। बेटा आया, माँ अरे माँ तुम्हारी ये हालत? माँ ने कहा बेटा मेरा आखिरी समय आ गया है, लेकिन मेरी एक इच्छा है। माँ क्या इच्छा है? मेरी एक इच्छा है बेटा, इस वृद्धाश्रम में पंखे नहीं है, जरा पंखे लगवा देना। क्यों माँ? तुमने जीवन भर कुछ नहीं मांगा, आखिरी समय करियो पंखे लगवा देना। अब आप तो जा रही है, अब आप क्यों कह रही है? माँ ने कहा बेटा मैं तो गर्मी में रह सकती थी, अलग बात है मैंने रह लिया, लेकिन मुझे मालूम है बेटा तू गर्मी नहीं झेल सकता, और वो दिन जरूर आएगा कि तेरा बेटा भी तुझे निकालेगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा लाल गर्मी में ना रहे। क्या बात है बेटा? माँ को जब घर से निकाला तो माँ उस लड़के से कहती है बेटा बेटा कि करती बेटे से है सवाल। आप लोगों से निवेदन है, जवाब सुनेगा भाव है गीत में, सुनेगा सुनिए। करती बेटे से ये सवाल है क्यों कलेजा तू लेता निकाल है। सुन 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 बेटा मेरा तू वही लाल है, वही लाल है। जब जब मेरे आँख खाने के लिए नहीं था, मैं बर्तन मांझ मांझ के कमा कमा के लाती थी तुझे खिलाती थी, उतना खाती तुझे खिलाती पढ़ाती लिखाती। भैया जी
खुद ना खाया तुझे खिलाया पढ़ाया लिखाया, गीले में सोई तुझे सूखे में सुलाया, पढ़ने गया कॉलेज तो एक रोग प्रेम का ले आया, और जिस दिल में माँ की मूरत थी वो रामकली को दे आया। सुनेगा माँ कह रही बेटे बेटे तो खाली हाथों से पूछो, जो मेरे वो खाली हाथ थे उस समय, सुनिएगा सुनिए कि खाली हाथों से पूछो कौआ बैठा था, माँ वो क्या है? मैंने कहा बेटा कौआ है। थोड़ी देर बाद फिर बोला माँ वो क्या है? मैंने कहा कौआ है। थोड़ी देर बाद फिर बोला माँ वो क्या है? तू जितनी बार पूछता रहा मैं उतनी बार जवाब देती रही कि वो कौआ है। आज मैंने एक बार क्या कहा कि बेटा वो क्या है, दूसरी बार पूछा तूने कहा माँ तू शांत नहीं रह सकती, इतना समय बदल गया। अरे याद कर, सुनेगा सुनो तो खाली हाथों से पूछो तो दिली बातों से पूछो, वो जागी रातों से पूछो पूछो रे। अरे उनको उनको पता है मेरा हाल, अरे हाँ जब तू छोटा था मेरे क्योंकि भैया जी जिसमें तो होता है लेकिन जिसमें जान नहीं होती है, अरे उस बच्चे से पूछो कि जिसके मां नहीं होती है। अरे जब तू छोटा मेरे लाल, जब तू छोटा था मेरे लाल। बोल दुर्गे मैया की, ये छोटा सा प्रयास रहा है और राधा नाचेगी वाला गीत सुना दीजिए हमारे भैया करुणा शंकर पांडे जी, पूर्व प्रचार हैं आप, आपने एक फरमाइश की है 101 पद्मदान प्रदान किए हैं, प्रयास करूंगी। और श्रीमान धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी योग टीम आनंदी धाम के वरिष्ठ सदस्य हैं, आपके करकमलों से 101 मेरे लिए हैं और 101 हमारे चचा और हमारे भाई मुकेश जी के लिए हैं। क्या बात है, बगल वाले बच्चा के लिए भी बराबर है। और क्या, चचा और बच्चा, बेईमानी नहीं है हमारे पास। भैया बबलू सिंह जी आपके कर कमलों से 51 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद है। और कृपया ध्यान दें ये पुरस्कार का समय ना जोड़ें। ये शिव बहादुर पाल जी को साध्यक्ष सैरापुर के आप छोटे बेटे अमरीश पाल उर्फ टोनी भाई जी, आपके कर कमलों से 101 पद मुद्राएं हैं, क्योंकि चीर के बहादुर लहू दुश्मन के सीने का यही तो मजा है।